आए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से कुछ देर के लिए मनन करें। यशा की किताब 40 अध्याय 31 पद, परंतु जो यहोवा की बाढ़ जोतते हैं वे एक नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। मैं अपने घर से एक संदेश तैयार करके लाया था, जब मैं यहां के बैठा तो मैं बड़ी तैयारी में था कि आज वो संदेश मैंने बोलना है, लेकिन अचानक से भाई मत्ती ने उकाब के ऊपर कुछ बोला, प्रभु ने मुझे तुरंत कहा कि तू ये बोल जो वो कह रहे हैं। प्रभु कहते कि मेरा आत्मा एक ही है, मैं आराधक को भी वही बोलता हूं, प्रचारक को भी वही बोलता हूं। तो प्रभु कहते जो वो बंदा बोल रहे ना, तूने वही बोलना है क्योंकि मेरा आत्मा एक ही है। बोलिए हालेलुया। यशा की किताब 40 अध्याय 31 पद में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाढ़ जोतते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। तीन बातें जल्दी से मैं शेयर करूंगा, ये कोशिश है मेरी 15-15 या 10-10 मिनट की, तीन बातें आपके काम आएंगी। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, उकाब। हमारी बाइबल में जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत जगह उकाब का संदर्भ माने उकाब का एग्जाम्पल हमारे प्रभु ने दिया। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु ने अनेकों जगह उकाब के बारे में बताया है। पृथ्वी के ऊपर जितने जानवर हैं उनमें शेर उनका राजा माना जाता है, लेकिन उकाब को आसमान का राजा कहते हैं, इसे पंछियों के अंदर राजा बोला जाता है, उकाब का बादशाह कहते हैं इसे, आसमान का बादशाह कहते हैं, उकाब को आसमान का राजा कहते हैं, शेर को धरती पे चलने वाले जानवरों का राजा कहते हैं, उड़ने वाले पंछियों के लिए उकाब उनका किंग माना जाता है। प्रभु ने बाइबल में जगह जगह उकाब के बारे में बताया, कई जगह उकाब से तुलना की। मेरे प्रियो, मैं तीन बातें जल्दी से उकाब के बारे में आपको बता करके बंद करना चाहूंगा। पहली और महत्वपूर्ण बात, उकाब एक लंबी उम्र जीता है, उसकी उम्र लंबी होती है, उसका कारण है, उसकी लंबी उम्र का एक राज है, उसकी लंबी उम्र का एक भेद है। और उकाब की लंबी उम्र का सबसे बड़ा भेद यह है कि उकाब जब बुढ़ा हो जाता है तो वो अपने घर में चला जाता है, और हमेशा उकाब अपना घर चट्टान में बनाता है, पत्थर के अंदर, चट्टान के अंदर उकाब का घर होता है। उकाब हमेशा अपना घर चट्टान में बनाएगा, और जब उकाब बुढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, वो उकाब अपने घर में चला जाता है, और जब उस वृद्ध अवस्था में, बुढ़ापे में, उसका एक एक करके उसके शरीर के सारे पंख निकल जाते हैं, एक एक करके उसके शरीर के सारे पंख बाहर आ जाते हैं, और उसका पूरा शरीर प्लेन हो जाता है, अब वो उड़ नहीं सकता क्योंकि उसके पंख उड़ने के लिए उसकी ताकत रहते हैं, उसके सारे पंख निकल जाते हैं, अब वो उड़ नहीं सकता, सारे पंख गिरने के कारण अब वो उस चट्टान के अपने घर में बैठ जाता है। और उकाब वहां बैठने के बाद ऐसा नहीं है कि वो सो जाए या वो निराश हो जाए या वो टूट जाए, ऐसा नहीं होता, वो वहां बैठ जाता है, लेकिन बैठे बैठे वो कुछ करता रहता है क्योंकि उड़ नहीं सकता, अब उड़ नहीं सकता इसलिए वो बैठे बैठे कुछ करता रहता है। अगर पंख हो तो कुछ करे, अब बस वो बैठा है क्योंकि पंख तो एक भी नहीं रहा शरीर के ऊपर, अब वो सिर्फ बैठा है, वो चट्टान में जो उसने घर बना लिया उसमें जाके बैठ गया, वो सारे पंख उतर गए उसके, अब उड़ नहीं सकता, अब बैठे बैठे वो कोई काम तो कर नहीं सकता, लेकिन वो एक काम जरूर करता है, वो बैठे बैठे अपनी चोंच को जो सख्त हो जाती है और आगे से मुड़ जाती है, उसको वो अपनी चोंच को चट्टान के साथ रगड़ना शुरू कर देता है, धीरे धीरे अपनी चोंच को धीरे 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 जो उसका घर होता है चट्टान में, पत्थर में, उसके साथ वो अपनी चोंच को रगड़ना शुरू कर देता है, धीरे धीरे अपनी चोंच को चट्टान के साथ रगड़ देता है। जब वो अपनी चोंच को चट्टान के साथ रगड़ता है तो उसके शरीर में एक तरंगें आती हैं जिसको वाइब्रेशंस कहते हैं, उसके शरीर में एक तरंगे उठती है, एक वाइब्रेशन उठती है, और उस वाइब्रेशन के द्वारा अगर वो तरंगे ना उठे, अगर वो चोंच नहीं रगड़ेगा तो उसके शरीर में कभी तरंगे नहीं उठेंगी, वो मर जाएगा। जब वो चोंच
रगड़ता है उसके शरीर में एक वाइब्रेशन आती है, एक तरंगे आती हैं, एक तरंगे उठती हैं उसके शरीर में। उन तरंगों के कारण उसकी देह के अंदर से नए पंख निकलकर बाहर आने शुरू हो जाते हैं और फिर उसके सारे पंख नए आ जाते हैं और वो फिर से उड़ने लगता है। और ऐसा कितनी बार कर लेता है वो। मेरे प्रियो, मैंने आपको ये क्यों बताया, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय आप पढ़ेंगे नहीं, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय एक पद में लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान हो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सबने बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वो चट्टान मसीह था। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय एक पद से लेकर उसके 4 पद तक अगर आप पढ़ो तो लिखा है वो 40 साल तक इसराइलियों के साथ जो चलता रहा, वो जो चट्टान, वो चट्टान मसीह है। उकाब, जब जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, कोई होप नहीं, कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, जिंदगी में सब कुछ खत्म होने के बाद वो बैठता नहीं है, वो एक जगह के ऊपर टिकता नहीं है, वो अपने घर में चला जाता है, पंख निकल गए, कोई उम्मीद नहीं, लेकिन तो भी चोंच तो है ना, वो अपनी चोंच को उस चट्टान के साथ रगड़ता रहता है। और बाइबल में लिखा है वो चट्टान जो इसराइलियों के साथ चलती रही 40 साल, वो चट्टान मसीह था। अगर मेरे और आपके जीवन में ऐसा समय आ गया, सब कुछ आपको लगता है खत्म हो गया है, मेडिकल रिपोर्ट ऐसी आ गई है, अब लोग कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं इसका इलाज नहीं है, अगर आप कहते हैं मेरा बिजनेस खत्म हो गया है, अगर आप कहते हैं मेरी जिंदगी में सारी खुशियां खत्म हो गई है, मेरी फैमिली खत्म हो गई है, मेरी हर होप खत्म हो गई है, अगर आपको लगता है आपके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, एक काम कीजिए, हमारे पास भी एक चट्टान है, उसका नाम मसीह है, उसके साथ संति कीजिए, उसके साथ समय बिताइए, उसकी आराधना कीजिए, उसके वचन को पढ़िए। मैं कहना चाहता हूं एक नई उम्मीद पैदा हो जाएगी। हालेलुया! हमारा खुदा वो है जो ना उम्मीदी में उम्मीद पैदा कर देता है, वो कहीं से भी एक नई शुरुआत दे सकता है। कोई जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। अमेरिका में एक आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन को करने वाला, उसको लीड करने वाला एक व्यक्ति था, उसका नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उसने अमेरिका में अश्वेत लोगों की लड़ाई लड़ी। उसने कहा अमेरिका में गोरे लोग और काले लोगों को इक्वल दर्जा मिलना चाहिए। उसने एक स्टेटमेंट दी थी, उसने कहा था उड़ो, उड़ नहीं सकते दौड़ो, दौड़ नहीं सकते चलो, चल नहीं सकते सरको, पर कुछ करो, बैठे ना रहो, पर कुछ करो। उकाब यही करता है। अब कहता है मैं उड़ नहीं सकता, कोई बात नहीं, चोंच तो है ना, इसी को रगड़ लेता हूं, पर कुछ करो। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, अपने आप से कभी दुनिया में कुछ नहीं हुआ, एक कड़वा सत्य है। आप कहें ना अपने आप से कुछ हो जाएगा, अपने आप से दुनिया में कभी कुछ नहीं हुआ, हर बात के पीछे कारण रहा है, हर बात के पीछे कारण है, हर बात के पीछे कारण है। कोई उठ गया उसके पीछे कारण है, कोई गिर गया उसके पीछे कारण है, कोई बढ़ गया उसके पीछे कारण है, कोई घट गया उसके पीछे कारण है, कोई बन गया उसके पीछे कारण है, कोई मिट गया उसके पीछे कारण है, हर बात के पीछे कारण है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं उड़ो, उड़ नहीं सकते दौड़ो, दौड़ नहीं सकते चलो, चल नहीं सकते सरको, पर कुछ करो, पर कुछ करो। हालात कैसे भी क्यों ना हो, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, सिचुएशंस कैसे भी क्यों ना हो, आपको मालूम है हम बाइबल के खुदा को मानते हैं, दुनिया में कोई ऐसा हालात नहीं जिसको पलट ना सके, दुनिया में कोई ऐसा बंधन नहीं जिसको तोड़ ना सके, दुनिया में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं जिसको पलट ना सके, दुनिया में कोई ऐसा पाप नहीं जिसको क्षमा ना कर सके, दुनिया में कोई ऐसा बंद द्वार नहीं जिसको लोग खोल ना सके। हालेलुया! प्रकाशित वाक्य में लिखा है मोहर खोलने के योग्य मेमना ठहरा। बोलिए आमीन, जोर से बोलिए आमीन, उच्च आवाज से बोलिए आमीन। आपका परमेश्वर बंधन को तोड़ सकता है। रोमी लोगों ने कहा था, ईस्टर आने वाला है, रोमी लोगों ने कहा था ओ उसको कोई कब्र से ना निकाल के लेके जाए, कब्र के ऊपर पहरा बिठा दो, ताले लगा दो, लॉक कर दो उसको। अरे अरे रोमी लोग, वो सारे याजक जाकर कहते हैं रोमियों को पहरा लगाओ जी पहरा,
वो कब्र के आगे बंधन बांधो जी, बंधन बांधो। और रोमियो ने भी उनकी बात सुनकर बंधवा दिए, सैनिक भी बिठा दिए। उनको नहीं पता था हमारा यीशु कौन है, वो दुनिया का बनाने वाला है। कोई ताला, कोई बंधन, कोई पत्थर उसको कहां रोक पाया। कोई जोर से बोले हालेलुया, कोई जोर से बोले हालेलुया। वो महायाजकों की सारी योजनाएं फेल हो गई, कौन उसको बंद कर पाया। भाई में लिखे, जब प्रभु काम करने के लिए ठाने, कौन उसको रोक सकता है। दुनिया में कोई ऐसा बंधन नहीं जिसको यीशु तोड़ ना सके। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, पहली और महत्वपूर्ण बात उकाब से हम सीख सकते हैं, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा भी नहीं है। भाई माइक पकड़ेंगे भाई, वो ऐसा भी नहीं है। हालातों को देखने के बाद कुछ असफलताएं जीवन में आ गई, कुछ फेलियर आ गया, जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, तो उसके बाद ऐसे बैठ जाए, ऐसे बैठ जाए या ऐसे बैठ जाए। वो अपनी चोंच को रगड़ता रहता है चट्टान के साथ। कुछ ना कुछ करो, हालात कैसे भी क्यों ना, बाइबल उठाओ, अपनी बाइबल पढ़ो, वर्शिप लगा लो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, आराधना शुरू कर दो। बोलिए हालेलुया। पौलुस और सिलास को जेल में बंद कर दिया गया, उनके हाथ पांव काठ में ठोक दिए गए, ठोके किलों से नहीं थे, बांध दिए गए। सांचा होता है जिसके अंदर उनको डाल दिया गया और हाथ पांव को बांध दिया, अपना पांव हिल सकते ना हाथ हिल सकते। वो कहने लगे चलो ठीक है भाई, ये तो इन्होंने बांध दिया हमें, मुंह तो नहीं बांधा। उन्होंने आराधना करनी शुरू कर दी, प्रार्थना करनी शुरू कर दी, बंधन टूट गया। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, जेल की नींव हिल गई। कुछ ना कुछ करो, बैठे ना रहो, पौलुस सिलास से सीखो। उन्होंने ये मातम नहीं मनाया कि अब तो हाथ पांव बंधे हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जुबान तो खुली है ना, तारीफ करते हैं, प्रस्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, उन्होंने तारीफ करना शुरू किया, जेल की नींव हिल गई। बोलिए हालेलुया, भूकंप आ गया। आपका परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, आपकी समस्याओं की नींव कितनी भी गहरी क्यों ना हो, आपका परमेश्वर उसे हिला सकता है, उसे उखाड़ सकता है। बोलिए हालेलुया। आपके बंधन कितने बड़े क्यों ना, प्रभु उनको तोड़ सकता है। कुछ और से बोले यीशु मसीह के नाम के हालेलुया, हालेलुया। कितने बड़े बंधन क्यों ना, प्रभु उनको तोड़ सकता है, उनको उन हालातों को बदल सकता है। प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं। पिछले दिनों में हमारी कलीसिया में एक टेस्टमनी आई, बड़ी अजीब गवाही थी। गवाही ये थी कि एक लड़का, जवान लड़का, अपने घर में बैठता था और बैठे बैठे उसके कमर के ऊपर, उसके पेट के ऊपर, उसकी पूरी चेस्ट के ऊपर ऐसे लगता था जैसे ब्लेड से किसी ने ऐसे लाइनें लगाई हैं, काट दिया, ऐसे ऐसे लगता था कोई ब्लेड से काट रहा है और उसमें से खून बाहर आ जाता था। ऐसे लाइनें लाइनें पूरी बॉडी के ऊपर लाइनें लाइनें पड़ जाती बैठे बैठे। अब वो बैठ के चाय पी रहा है, देखते थे उसके हाथ के ऊपर लाइन पड़ेगी और उसमें से खून बाहर आ जाएगा, कोई भी नहीं है, कट लगेगा, खून बाहर आ जाएगा। जब मैंने उसको देखा तो उसकी पूरी बॉडी के ऊपर निशान थे, कट के निशान थे, ब्लड बाहर आ जाता। डॉक्टरों को समझ ना आए, शुरुआत के अंदर जहां जहां वो जा सकते थे गए, किसी को समझ ना आए। फाइनली उनका भाई चर्च आता था, उसने प्रभु के भवन में उपवास रख के प्रार्थना की और हमने मिलकर उनके साथ प्रार्थना करी। प्रभु का धन्यवाद हो, वो दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर गई, पूरी रीति से वो आजाद हुआ। अब उसके शरीर से वो कट लगने बंद हुए। वो चर्च में, स्पेशली वो चर्च में आया लुधियाना में और आके अपनी टेस्टिमनी देके गया। दुनिया में कोई ऐसा बंधन नहीं जिसको यीशु तोड़ ना सके। बोलिए हालेलुया। बैठना नहीं है, चलिए मेरे पीछे बोलिए, बोलिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा उड़ो, उड़ नहीं सकते दौड़ो, दौड़ नहीं सकते चलो, चल नहीं सकते सरको, पर कुछ करो। हाथ पे हाथ रख के ना बैठो, कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ करो। बोलिए हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलिए हालेलुया। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, उकाब अपनी चोंच चट्टान से रगड़ता है। आपकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, आपके उद्धार रूपी चट्टान, उसका नाम मसीह है, उसके साथ संगति करो। मैं कहता हूं यीशु के नाम में, जहां सब कुछ खत्म हो गया, खुदा वहां आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत करके दिखाएगा। हालेलुया। हमारे कलीसिया में एक लड़का आता था, उसका चार बार रिफ्यूजल आया, चार बार कनाडा का रिफ्यूजल आया। सोचो, डेढ़ साल में चार बार फाइल लगाई, डेढ़ साल में एक ही देश में चार बार रिफ्यूजल आया। मुझे आके कहता है भाई साहब चार बार रिफ्यूजल आ गया। मैं कह दोबारा फिर लगा दे, कहना की पंजाबी में मनु कहना की। मैं कह एक बार और ला दे। मैं कह पर लाण तो पहला गोडे यीशु अगे टेक, प्रार्थना कर,
प्रभु नाल अपना टाइम गुजार, वीजे नू छड़ दे, ये तेरा मैटर नहीं है गया। तेरा मैटर है गया अपने प्रभु नू खुश करना, अपने प्रभु नाल प्रेम करना सच्चा, वीजे दे करके नहीं करना, अपने प्रभु नाल सच्ची मुहब्बत पा लै, उहदी बाइबल नाल मुहब्बत पा लै, गोडियां दे भार आ जा, घंटा घंटा बह के दुआ कर, प्रभु नाल गल्लां करिया कर, दुआ नहीं करनी गल्लां करिया कर, बह जा खुदा दे अगे। ये वीजे नू छड़ दे, वीजे दे चक्कर च नहीं तू दुआ करनी, वीजे दे चक्कर च बाइबल नहीं पढ़नी, बाइबल नाल प्यार कर ले, प्यार हो जाना चाहिए तेरा। लो जी शुरू हो गया, वो घुटने टेक करके प्रार्थना करना शुरू कर दिया, आराधना करना शुरू कर दिया, खूब खुदा में आ गया, संगति में आने लगा। एक दिन मुझे आके कहता है, भाई साहब अब दिल नहीं कर रहा अप्लाई करूं, क्योंकि यही जीवन इतना अच्छा लगता है, अब दिल नहीं करता बाहर जाऊं। मैं कहा नहीं तो अप्लाई करके आ, इसको कहते हैं सच्चा खुदा से प्यार। ओ अप्लाई किया, प्रभु का धन्यवाद, डेढ़ साल में 4 रिफ्यूजल, उसके बाद फिर वीजा लग करके आया। खुदा के लिए कोई काम कठिन नहीं, खुदा के लिए कोई काम कठिन नहीं। कितनों को समझ आ रहा है, बोलिए हालेलुया। अपना संगति प्रभु के साथ करते रहे, बोलिए आमीन। हमारी चट्टान यीशु है, बोलिए हालेलुया। ऊंचे आवाज से बोलिए हालेलुया। सब फेल हो सकते हैं पर यीशु कभी फेल नहीं होता, आमीन। जोर से बोलिए आमीन। ओके, उकाब का पहला बात, दूसरी बात उकाब की, उकाब हमेशा सूरज की ओर देखकर उड़ता है। जितने भी दुनिया में पंछी हैं वो सूरज की उल्टी दिशा में उड़ते हैं, अकेला उकाब है, सिर्फ उकाब है जिनको प्रभु ने सृष्टि में बनाया, सिर्फ उकाब ही वो है जो सूरज के आंखों में आंखें डाल के उड़ता है, सूरज की ओर देखकर उसकी ओर मुंह करके उड़ता है वो। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, प्रभु के लोगों को चुनौतियां ले लेनी चाहिए, प्रभु के लोगों को चैलेंज ले लेने चाहिए, डरना नहीं चाहिए, चैलेंज ले लेने चाहिए। बोलिए हालेलुया। अपने जीवन में कोई ना कोई बड़ी चुनौती लो, चुनौती का अर्थ यह है कि मैंने अपने प्रभु के लिए कुछ करना है, ऐसी एक चुनौती लो। मैंने प्रभु की महिमा के लिए कुछ करना है, ऐसी एक चुनौती लो। मैंने एक बड़ी बंदगी करानी है, ऐसी एक चुनौती ले लो। पैसा है नहीं, वो टेंशन नहीं है। मैंने कुछ गरीब बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है, ऐसी एक चुनौती ले लो। मैंने अपने नगर में चर्च बनाना है, ऐसी एक चुनौती ले लो। मेरे नगर में चर्च है, पड़ोसी गांव में नहीं है, मैंने उधर चर्च बनाना है, ऐसी एक चुनौती ले लो। उकाब चुनौतियों को लेता है, वो सूरज की तरफ मुंह करके उड़ता है। कोई चुनौती लो अपने जीवन में, मैंने प्रभु के लिए कुछ करना है। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास बिजनेस नहीं है, कोई मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता। आपके पास एक दर्शन होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए। जहां विजन है वहां प्रोविजन है, कोई जोर से बोलिए आमीन। आपके पास एक विजन होना चाहिए, एक दर्शन होना चाहिए, रास्ते प्रभु ने खोल देने, काम प्रभु ने कर देने। जब मैं लुधियाना में था, हमने नई नई सेवकाई शुरू की, उस समय में हमारी कलीसिया में 4 लोग आते थे। मेरा बड़े वाला बेटा एक दिन मेरी बाइक के आगे टैंकी के ऊपर बैठा हुआ, बिल्कुल छोटा था वो, 1.5 साल का था। 4 लोग हमारी कलीसिया में आते थे। तब मैं एक बड़े चर्च के आगे जिसमें करीबन 1500 से 2000 लोग बैठते हैं, मैं उस चर्च के सामने गया और मैंने वहां खड़ करके इस प्रकार से कहा, प्रभु जी ना मेरे पास नौकरी में छोड़ आया हूं, अब मैं फुल टाइम का पादरी हूं। 4 लोग कलीसिया में आते हैं, ये नहीं पता अगले महीने घर का किराया दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, पर एक दुआ है प्रभु मेरी, एड्डा वड्डा भवन है ना, मैं भी चाहना वही एड्डा वड्डा भवन बनाने लिए तुम मैं अनुग्रह दो, अपना मैं फजल दो प्रभु, ताड़ा एक रहम करो प्रभु, मेरा घर बने ना बने मैं ताड़ा एक घर बनाना चाहना, मेरी ख्वाहिश है कि प्रभु एड्डा वड्डा भवन बनाने लिए मैं अनुग्रह दो। मैं तुम्हें दसन दिया वहां, मैं जब ये चुनौती ये बात जब मैंने प्रभु को बोली, ये बात बोलने के बाद प्रभु ने हालातों को बदलना शुरू कर दिया। बोलिए हालेलुया। जब हमने प्रभु का घर वहां लुधियाना में बनाने के लिए प्लान किया, ड्रीम में सपने में जाके प्रभु ने लोगों को बोला, पास्टर सलीम को पैसे दे दो, और प्रभु के नाम की स्तुति हो, आज एक भवन बन गया है, दूसरे की तैयारी है। बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। दूसरा जो भवन बनना है वो 3 एकड़ में प्लान कर रहे हैं हम लोग, प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं कुछ कहना चाहता हूं, उकाब सूरज की तरफ मुंह देख करके उड़ता है। कुछ चुनौती लो अपने जीवन में, मैं कुछ गरीब बच्चों की मदद करूंगा, पैसे नहीं है वो मैटर नहीं है। आपके पास कुछ बाइबल में लिखा है, वो बोने वाले को बीज देता है। मेरे पीछे जोर से बोलना जरा, मैंने क्या बोला, बोलो वो बोने वाले को, नहीं सारे बोलेंगे, वो बोने वाले को बीज देता है। अच्छा एक बात बताओ,
बड़े ध्यान से सुनना, वो बोने वाले को बीज देता है, तो बीज किसका था? खुदा का। वो बोने वाले को बीज देता है। भाई कौन कहता है आपको पैसे की जरूरत है प्रभु का काम करने के लिए? कौन कहता है विधवाओं और अनाथों को पालने के लिए आपको धन की जरूरत है? धन की नहीं, मन की जरूरत है। आपका मन होना चाहिए बोने वाला, बीज तो उसने देना है। बोलिए हालेलुया। बाइबल में लिखा है वो बोने वाले को बीज देता है। आपका सिर्फ मन होना चाहिए मैंने खुदा के लिए कुछ करना है, देगा तो वो, बीज तो उसने देना है। बोलिए हालेलुया। एक दर्शन पाइए, एक खुदा को काम करने के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए एक दर्शन पाइए, एक दर्शन लीजिए। कलीसिया को कहना चाहूंगा एक दर्शन लो। आज ये बंदगी बहुत महत्वपूर्ण बंदगी है प्रभु के अनुग्रह से। एक दर्शन लो, पास्टर राहुल इस गांव में सेवा करते हैं, एक दर्शन लो। मैं आपको एक भेद की बात बताना चाहता हूं, चरवाहा कभी बच्चे नहीं पैदा करता। ये फिजिकल बात नहीं है, शारीरिक बात नहीं है, आत्मिक बात है। भेड़े बच्चे पैदा करती हैं, भेड़े बच्चे पैदा करती हैं। कलीसिया से मैं कहना चाहूंगा आज एक निर्णय लो। निर्णय ये है, मैं हर रोज एक व्यक्ति को प्रभु का संदेश सुनाऊंगा, काफी है, काफी है। अगर आप ये निर्णय लेते हैं मैं हर रोज एक व्यक्ति को प्रभु का वचन बताऊंगा, एक साल में आपके द्वारा 300 से ज्यादा लोग कलीसिया में बैठे होंगे। बोलिए हालेलुया। एक निर्णय लीजिए, एक चुनौती लीजिए, एक चुनौती लीजिए, एक चैलेंज लीजिए अपने जीवन में। जो लोग अपने जीवन में चैलेंज नहीं लेते वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। हमारी पवित्र शास्त्र बाइबल में, थैंक यू जी, हमारी पवित्र शास्त्र बाइबल में दाऊद के योद्धाओं की लिस्ट है। दाऊद जब राजा बना तो उसके बड़े बड़े योद्धा थे। साथ वाले को बोलो, बोलो जब दाऊद राजा बना उसके बड़े बड़े योद्धा थे। अब बोलो मुख्य 30 योद्धा, उनकी लिस्ट बाइबल में है। बोलो मुख्य 30 योद्धा, उनकी लिस्ट बाइबल में है। उन 30 योद्धाओं में से बोलो एक व्यक्ति है, उसके बारे में पवित्र बाइबल में लिखा है। बोलो पवित्र बाइबल 2 शमूएल 23:20 में लिखा है, फिर यहोयादा का पुत्र बनाया था जो कबसेलवासी एक बड़ा काम करने वाला वीर का पुत्र था। उसने सीसरी के 2 मुआबियों को मार डाला। बर्फ गिरने के समय उसने गड्ढे में उतरकर सिंह को मार डाला। यहां पर एक व्यक्ति है, उसका नाम बनाया है। ये दाऊद के योद्धाओं की लिस्ट है, 2 शमूएल 23 में। ये बनाया ना रोड के ऊपर से जा रहा था, पहाड़ के ऊपर से, और बर्फ पड़ी हुई थी। पहाड़ के ऊपर जाते समय इसने कुआं गड्ढा देख लिया, गड्ढे में देखा इसने एक शेर अंदर है। आज का कोई बनाया होता मालूम है क्या कहता? वाह भाई वाह, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने बचा लिया, शुक्र है शेर गड्ढे में है, नहीं तो मैं आज शेर के मुंह में होता। शुक्र है शेर गड्ढे में है, नहीं तो मैं आज शेर के अंदर होता। वो प्रभु का धन्यवाद देता, लेकिन उल्टा हुआ। बनाया ने क्या किया? शेर देखा बर्फ के गड्ढे में, नीचे उतर गया गड्ढे में बर्फ के, और शेर को फाड़ दिया, और दाऊद के 30 योद्धाओं में नाम आया उसका। प्रभु के योद्धा बनना चाहते हो तो कोई ना कोई चैलेंज लो, मैं कुछ बड़ा करूंगा खुदा के लिए, आपका नाम ऊपर की लिस्ट में आएगा। बोलिए हालेलुया। कितनों को समझ आ रहे हैं? कोई बड़ा चैलेंज लो, कोई बड़ी चुनौती लो अपने जीवन में। उकाब सूरज की तरफ मुंह करके चलता है, एक बड़ा टफ काम है, एक चुनौती है। आज चैलेंज लो, मैं अपनी कलीसिया के लिए डेली अपने घर में 1 घंटे रात को डेली एक ही टाइम पे एक ही जगह बैठकर 1 घंटा अपनी कलीसिया के लिए, बढ़ोतरी के लिए कलीसिया की दुआ करूंगा। चैलेंज लो, मैं अपने गांव के लिए डेली 1 घंटा घुटने टेक कर अपने गांव के उद्धार के लिए प्रार्थना करूंगा। वो दिन दूर नहीं जब आपका पूरा घर, गांव का गांव प्रभु में आ जाएगा। बोलिए हालेलुया। कितने को समझ आ रहा है? चैलेंज लो, कोई ना कोई चुनौती लो अपने जीवन में। चुनौती लो, मैं आपसे पवित्र जीवन जीऊंगा। चुनौती लो, मैं नशे को हाथ नहीं लगाऊंगा। चुनौती लो, ये मेरी देह प्रभु के लिए पवित्र है। आज के बाद इस देह के अंदर कोई अशुद्ध चीज नहीं लेके जाऊंगा, ना किसी अशुद्ध चीज को छूऊंगा। प्रभु के बड़े बड़े काम देखना चाहते हो? बाइबल में लिखा है याकूब एक जगह पे था, उसने अपने लोगों को कहा अपने अपने को पवित्र करो। यहोशू ने युद्ध से पहले इसराइलियों को इकट्ठा करके कहा अपने अपने को और अपने डेरों को शुद्ध करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे बीच में बड़े बड़े काम करेगा। चुनौती ले,
आज के बाद मैं नशे को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं प्रभु के लिए पवित्र जीवन जीऊंगा, आज के बाद मैं वचन के अनुसार जिंदगी जीऊंगा। आज चुनौती लीजिए, मैं आज के बाद एक रविवार भी कभी चर्च मिस नहीं करूंगा। बड़ा चुनौती लीजिए, मैं चर्च शुरू होने से पहले कलीसिया में आऊंगा। एक बड़ी चुनौती लीजिए, ये चुनौतियां हैं। कोई जोर से बोले हालेलुया। याद रखना, बड़ी ईमानदारी से मैं आपको बताना चाहता हूं, बंदगी की सबसे बड़ी बरकत बंदगी की आखिरी दुआ में नहीं है, बंदगी की सबसे बड़ी बरकत बंदगी की पहली दुआ में। अब ये समझने वाली बात है, आप कभी बाजार सब्जी लेने गए? आप तो ऐसे बैठे हैं जैसे कभी सब्जी नहीं खाई आपने। हाँ ना, कुछ तो कह दो, चलो गर्मी है फिर भी बोल तो दो थोड़ा बहुत। हंगारा ते भर दो, पंजाबी जी कहते, कदे सब्जी लैन गए जे? गए होने पक्का? तुम तो इदा बैठे आराम ना, जो सब्जी नहीं खाधी कदे, है ना? सुनो तो, हाँ हाँ तो बोल दो थोड़ा बहुत, हंगारा भर देना चाहिए, है ना? ओके, जब आप सवेरे सवेरे सब्जी मंडी में जाओ रेड़ी के ऊपर सब्जी लेने के लिए, आपको अच्छी सब्जी मिलेगी कि बासी मिलेगी? और शाम को 10 बजे जाओ बची कुची। याद रखियो, बंदगी दी सब तो बड़ी बरकत बंदगी दी पहली परेड चा आखरी च नहीं। बोलो हालेलुया। वड्डियां बरकतां चाहते हो? बंदगी शुरू होने तो पहला प्रभु दे घर आओ, चैलेंज लो। मैं चर्च शुरू होने तो पहला आधा घंटा जाके गोडे टवा के टिका के प्रभु दे घर बह के दुआ करया करांगा। प्रभु जिहड़े लोकी कलीसिया च आ रहे ने उन्होंने सही सलामती नाल लैके आ। बोलिए आमीन, जोर से बोलिए आमीन। चैलेंज लो अपने जीवन में, आज के बाद एक दिन भी प्रार्थना मिस नहीं करूंगा, एक दिन भी। आपको बताना चाहता हूं, मैं सवेरे बढ़ाई के लिए नहीं बता रहा, गवाही के लिए बता रहा हूं, मैं सवेरे उठ करके अपने मुंह में अन्न भी नहीं रखता, ना जल रखता हूं, जब तक मैं सवेरे उठ के प्रार्थना ना करूं और बाइबल ना पढ़ूं और भजन ना गाऊं। आज की बात बता रहा हूं मैं, आज जब मैं सवेरे उठ करके हमने भजन गाए, बाइबल पढ़ी, प्रार्थना करी, उसके बाद यहां आकर के मैंने, इस गांव में आकर के मैंने वो कुछ खाया, बस अपने घर में एक घूंट पानी की पी के निकला था प्रार्थना के बाद। मैंने दोपहर तक कुछ नहीं पिया, टाइम ही नहीं मिला, ही नहीं टाइम कुछ पीने का। मेरी वाइफ ने दूध और वो ला के रखा कुछ खाने के लिए, मैं वो भी छोड़ा है। चुनौतियां लो, मैं बिना प्रार्थना के आज के बाद सवेरे उठने के बाद कभी भी कुछ नहीं खाऊंगा, पहले अपने खुदा को आदर दूंगा। बोलिए हालेलुया, उच्च आवाज से बोलिए हालेलुया। तीसरी बात, उकाब के अंदर तीसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उकाब हमेशा बादलों के ऊपर उड़ता है, वो बादलों के ऊपर उड़ता है। प्रभु ये चाहता है कि आप समस्याओं के ऊपर राज करें, ना कि समस्याओं में उलझे रहें। हेलो, उकाब हमेशा बादलों के ऊपर उड़ता है। प्रभु ये चाहते हैं कि आप समस्याओं के ऊपर राज करें, ना कि समस्याओं में उलझे। भाई बात नहीं करेंगे, भाई भाई बात नहीं करेंगे ना, वचन चल रहा है, बात नहीं करेंगे। प्लीज हाथ जोड़ के विनती है मेरी आपसे, ये भी सत्संग है ना। आप चुनौती लीजिए कि मैं समस्याओं में उलझूंगा नहीं, समस्याओं के ऊपर राज। प्रभु ने आपको राज करने के लिए बुलाया है। प्रकाशित वाक्य एक अध्याय 5 पद में लिखा, उसने आपको राजा का, राजा राज्य करने के लिए होता है। प्रभु ने आपको राज्य करने के लिए बुलाया है। कुछ जोर से बोले हालेलुया, ऊंची ऊंची आवाज से बोलिए हालेलुया। उकाब की तीसरी बात है, वो बादलों के ऊपर उड़ता है, बादलों के ऊपर उड़ता है। परमेश्वर ने आपको इन सारी समस्याओं के ऊपर अधिकारी माने, इनके ऊपर आपको जीत दी है। आदम को बनाने के बाद प्रभु ने कहा था इन सब के ऊपर राज कर, जो अधिकार आदम ने खो दिया, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी स्लीप के ऊपर जान देकर आदम का वो खोया हुआ अधिकार उसको वापस दिया। हमें वो सारी अथॉरिटी हमारे प्रभु ने वापस लेके दी जो आदम ने गवा दी थी। यीशु ने कहा आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया और मैं तुम्हें देता हूं। बोलिए आमीन, उच्च आवाज से बोलिए आमीन। हालेलुया, प्रभु ने आपको इन सारी बातों के ऊपर अधिकारी बनाया है। आपके पास अथॉरिटी है, अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। प्रभु ने आपको जय दी है, अगर आप यीशु मसीह में हैं, सांप और बीच बिच्छू और दुष्ट आत्माएं आपके पांव के नीचे हैं। अगर आप प्रभु में हैं, प्रभु ने दुष्ट और दुष्ट की सारी शक्तियों के ऊपर आपको अधिकार दिया है, आप उन्हें अपने पांव के नीचे उतार सकते हैं, वो आपके पांव के नीचे हैं। मुझे एक घटना याद आती है, हमारे लुधियाना में एक पादरी साहब है, उनका नाम है पास्टर रॉबिन।
वो अंबाला में सेवकाई करते हैं और हमारे साथ भी मिलकर मिनिस्ट्री करते हैं। एक बार मैं उनके घर में उपवास की प्रार्थना में था और हम 10-15 लोग इकट्ठे बैठ के शनिवार को उपवास की प्रार्थना कर रहे थे। एक बहन दिल्ली से लुधियाना आ गई और अपने सिस्टर के हस्बैंड को फोन किया कि मुझे आके स्टेशन से ले जाओ। उसकी सिस्टर के हस्बैंड उसको स्टेशन से ले आए और वो रस्ते में कहती है पास्टर सलीम के घर जाना है। वो मेरे घर आए, घर से मालूम पड़ा मैं फास्टिंग प्रेयर में हूं। हम ऊपर चुवारे के अंदर एक फास्टिंग प्रेयर कर रहे थे और उसने आकर के जोर से दरवाजा खोल दिया और अपना पर्स वो खींच के दीवार के ऊपर फेंक के मारा। मैं एक साइड में खड़ा था, दीवार के ऊपर पर्स मारा उसने और उसकी आंखों का साइज कई गुना ज्यादा बड़ा हो गया और कहने लगी, क्या समझते हो अपने आप को? जितने लोग नीचे बैठ के प्रेयर कर रहे थे उनमें से मैक्सिमम लोग बेड के ऊपर मेरे पीछे आके खड़े हो गए। अब वो भयंकर रूप उसका देखने के बाद, पहले पहले तो मुझे भी लगा कि ये क्या है, तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु क्या किया जाए? अपने मन में मैंने ऐसे बोला। प्रभु ने कहा, जो तेरी ओर है वो उससे बड़ा है जो तेरे विरोध में आता है। तेरी ओर वो है जो उससे बड़ा है जो तेरे विरोध में आता है। और उस समय प्रभु ने मुझे अपने आत्मा के द्वारा बल दिया, वचन के द्वारा मुझसे बात की। मैंने बिल्कुल उसके मुंह के पास अपने नजदीक ले जाकर के उसकी आंखों में आंखें डाल के बोला, दुष्ट, ये परमेश्वर की प्रेजेंस है और प्रभु की उपस्थिति में तू अपनी आंख नहीं उठा सकता क्योंकि यीशु यहां है, नीचे कर। उसने अपनी आंखें नीचे करी और कमांड किया, यीशु के नाम में बाहर निकल। तब वो बताता है कि मैं 20 साल से इसके अंदर हूं झिन्नू में और सुरनसी स्कूल में पढ़ती थी, तब से मैं इसके पीछे लगता क्योंकि मुझे अच्छी लगती थी और मैंने इसकी मैरिड लाइफ को डिस्ट्रॉय किया हुआ है, खराब किया हुआ है। मैं इसके पति के साथ इसका रिश्ता नहीं बनने देता। और जब ये सब बातें चल रही थी तो मैंने कहा, मैं तेरी फालतू बातें नहीं सुनना चाहता, मैं एक बात जानता हूं, मेरा यीशु सबसे महान है। और उसको कमेंड किया यीशु के नाम में और उसी समय उसको जमीन पे गिराकर मैंने मैं हंसी की बात भी बताता हूं, मैं कमांड करने लगा, मैं कहा यीशु के नाम में कहता हूं जो बाहर की दीवारें गिरा दे। अभी मैं दीवार बोला ही था, पास्टर रोबिन कहते नहीं मैं किराए पे रहता हूं। मैंने कहा कमांड कैंसिल, इसी को गिरा के जा। उसने उसी को गिरा दिया जमीन के ऊपर और जब वो उठी कहती तुमने मेरी पसलियां तोड़ दी। मैं कहा हमने तो छुआ भी नहीं आपको। शुक्र है उसकी फैमिली के लोग साथ थे, उसके बस को घर ले गए और वो उस दिन पूरी शाम तक और अगले दिन दोपहर तक सोती रही और अगले दिन उठ करके कहती है, मुझे लगा मैं आजाद हो गई, मैं हल्की महसूस कर रही हूं। वो दिन आज का दिन, वो जिन दोबारा नहीं आया। उसकी रियल सिस्टर हमारे चर्च में आते हैं लुधियाना में, लास्ट संडे भी आए। हम पिछले दिनों में भी उनकी गवाही शेयर कर रहे थे। प्रभु ने आपको अधिकार दिया है, प्रभु ने आपको बादलों के ऊपर, उकाब बादलों के ऊपर उड़ता है, प्रभु ने आपको समस्याओं के ऊपर जय पाने के लिए रखा है। बोलिए हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सांप और बिच्छू और शैतान और शैतान की सारी सामर्थ्य अधिकार देता हूं, अपने पांव के नीचे, अपने पांव के नीचे लो, अधिकार है आपके पास, अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। एक और छोटी सी बात बोल करके बंद करना चाहूंगा। एक कहानी सुनाता हूं मैं आधे मिनट की। एक बार उकाब ने अपना घोंसला बरगद के पेड़ पे बना दिया। बरगद को क्या कहते हैं पंजाबी में? बोड़। बरगद का पेड़ जो बहुत बड़ा पेड़ होता है, उसके ऊपर उकाब ने अपना घोंसला बना लिया बच्चे देने के, उसके अंडे निकले और अपने बच्चों के लिए घोंसला वहां बना लिया। एक अंडा ऊपर से हवा चली तो नीचे गिर गया और वो मुर्गी का घोंसला नीचे था। मुर्गी ने अपना नीचे घोंसला नहीं होता मुर्गी का, उसने अपने घर सा बना रखा था। मुर्गी ने भी अपने अंडे वहां दिए थे तो वो उकाब का अंडा मुर्गी के अंडों में आके मिल गया। अब मुर्गी ने दोनों को सह दिया। अब मुर्गी के अंडों में से मुर्गी के बच्चे निकले और उकाब के अंडे में से उकाब का बच्चा वहां निकला। अब वो मुर्गी के साथ रहने लगा, उसको मां बोलता था, उसी के साथ खाना वाना खा लेता था, उसी के घर में रहता, उसी के साथ आता जाता। अब मुर्गी को अपनी माँ माँ कहता। एक दिन वो जब बड़ा होने के बाद आसमान की तरफ देख के कहता, पंछी उड़ रहे, कहता माँ ये सब उड़ते हैं ऊंचा ऊंचा, हम क्यों नहीं उड़ते? बोली तू ना मुर्गी का बच्चा है ना, इसलिए नहीं उड़ सकता, आराम से बैठा रहे। कभी कभी हमारे अंदर भी गलतफहमियां होती हैं। हमें राज्य करने के लिए बुलाया गया। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु ने आपको अधिकार दिया है, यीशु ने आपको अधिकार दिया है। मरकुस की किताब आखिरी अध्याय की आखिरी आयतों में लिखा है, प्रभु ने कहा विश्वासियों में चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे बीमार चंगे होंगे, जहरीली चीजें पी लें तो भी उनकी कोई हानि ना होगी, सांपों को उठा लेंगे, अन्य अन्य भाषा बोलेंगे।
प्रभु ने आपको अधिकार दिया है, हमें अथॉरिटी इश्यू ने दी है। बोलिए हालेलुया। आपको उकाब बादलों के ऊपर उड़ता है, आपको प्रभु ने समस्याओं में उलझने के लिए नहीं, समस्याओं के ऊपर राज करने के लिए बुलाया है, ताकि आप उनको उनके ऊपर अधिकार करें और राज्य करें। बोलिए आमीन। आखिरी में एक छोटी सी घटना और बता के बंद कर रहा, मैं बाइबल बंद कर देता हूं, समय हो चला। घटना यह है, उकाब अपने बच्चों के लिए एक अच्छा काम करता है। जब उकाब के बच्चे अंडे में से बाहर आते हैं, कुछ दिन के बाद वो अपने बच्चों को अपने पंखों के ऊपर बिठाता है और आसमान के पार ले जाता है और नीचे पटक उल्टा देता है, अपने बच्चे को ऊपर ले जाके पलटी लगा देता है। अब उकाब के बच्चे सोचते हैं कि हम नीचे गिरेंगे, पानी में गिरेंगे, डूबकर मर जाएंगे, आग में गिरेंगे, भस्म हो जाएंगे, चट्टान पे गिरे तो उसके ऊपर लगते ही हम खत्म हो जाएंगे। वो नीचे देखते हैं और वो उल्टे पुल्टे हाथ पांव मारते हैं, उल्टे पुल्टे हाथ पांव मारते हैं। उकाब के बच्चे उल्टे पुल्टे हाथ पांव मारते हैं, इससे पहले बच्चे जमीन पे गिरे, उकाब जल्दी से नीचे आता है, फिर दोबारा उनको पकड़ता है, ऊपर ले जाता है, फिर पलटी लगा देता है, फिर वो उल्टे पुल्टे हाथ पांव मारते हैं। और ऐसे कुछ देर करने के बाद, उल्टे पुल्टे हाथ पांव मारने के बाद, उकाब के बच्चे उड़ना सीख जाते हैं। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, बचपन में हम एक गीत गाया करते थे, आप भी पक्का गाते होंगे, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना, उसे परों पर उठाया उकाब की तरह ताकि हमको। हमें कभी कभी ऐसा लगता है प्रभु निर्दयी है, उसने हमें समस्याओं में छोड़ दिया। प्रभु ने आपको समस्याओं में नहीं छोड़ा, प्रभु ने आपको अकेला नहीं छोड़ा, प्रभु ने आपको मुश्किलों में नहीं छोड़ा, बल्कि प्रभु आपको ट्रेन कर रहे हैं ताकि आप एक नए लेवल पे चले जाएं। बोलिए हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। अगर आप में से कोई यहां ऐसा बैठा है जो एक सच्चा मसीह है, बाइबल पढ़ता, प्रार्थना करता, तौबा करके बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का दान पाया और प्रभु के वचन के अनुसार जिंदगी जी रहा है, अगर आपके जीवन में चुनौतियां आ रही हैं, घबराओ मत। समस्याएं आ रही हैं, घबराओ मत। मुश्किलें आ रही हैं, घबराओ मत। ये समस्याएं, ये चुनौतियां, ये मुश्किलें नहीं है, आपका स्तर चेंज हो रहा है, प्रभु आपको एक नए लेवल पे लेके जा रहा है। ताली बजा के प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। चलिए मैं एक प्रैक्टिकल काम करके बताता हूं, मेरी तरफ देखिए, देख रहे हैं आप, मैंने अपने हाथ पहले मैंने अपने हाथ सीधे किए, अब मैं अपने हाथों को कुछ और करूंगा, देखना ध्यान से, मेरे हाथ देखिए आप, यहां सीधे, अब मैंने को थोड़ा सा ऊपर कर लिया। उकाब मालूम है क्या करता है, जब सबसे ज्यादा बड़ा तूफान आता है तब उकाब सबसे ऊंचाई पर चला जाता है। मालूम है कैसे, जब सामने से तेज हवा आती है ना, वो अपने पंखों को ऐसे नहीं करता, थोड़ा सा ऊपर कर लेता है और उसके पंखों के ऊपर हवा लगती है और वो अपने प्रेशर को अपनी पावर में कन्वर्ट कर लेता है, हवा लगने के कारण ऊपर चला जाता है। बोलिए हालेलुया। सामने से तेज हवा आई ताकि उकाब नीचे गिर जाए, उकाब थोड़ा सा पंख ऊपर कर लेता है, वही हवा उसको लगती है, वो ऊपर चला जाता है, वो अपने प्रेशर को अपनी पावर में कन्वर्ट कर लेता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, एक खास बात मेरे दिल में है, कह दूं क्या, मसीहत ना तो आज तक कोई खत्म कर पाया, ना कोई कब खत्म कर पाएगा। बड़े आए, हिटलर ने लाखों यहूदियों को मारा, यहूदी आज भी दुनिया में राज कर रहे हैं, इनको नहीं कोई खत्म कर पाता, जिन्हों यीशु ने लाता उन्हों केड़ा पुट सकता वा। बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, हम मसीह लोग हुए हैं, हम दबाव में ज्यादा ऊंचाई पे उछाल चले जाते हैं, जब दबाव आता है हम और ऊंचाई में पहुंच जाते हैं। बोलिए हालेलुया। हम मसीह लोग हुए हैं, जो हमें जितना दबाता है हम और ऊपर जाते हैं। हमने फुटबॉल देखा कितने आप में से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जानते हैं? नहीं जानते, हाथ खड़ा कर दो अगर जानते हैं तो। चाचा नेहरू भी कहते हैं उन्हें। कितने आप में से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जानते हैं? उन्होंने भारत आजाद होने के बाद अपने नेताओं को एक सलाह दी थी, बता दो कौन सी सलाह दी थी, वो मेरे और आपके लिए सलाह दी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत आजाद होने के बाद हमारे देश के नेताओं को सलाह दी थी, कृष्णों को मत छूना इंडिया में, ये फुटबॉल के जैसे हैं, तुम जितनी ताकत से इनको नीचे मारोगे उतनी जगह ऊपर चले जाते हैं। ताली तो बजा दो, क्यों कुछ जुस्सी कर रहे हो, अरे और जोर से ताली बजाओ खुदा के लिए।
क्रिश्चियन, इसलिए तो बाइबल में हमें उकाब कहा गया, क्योंकि हम अपने प्रेशर को अपनी पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। बोलिए आमीन। जितना हमें सताओगे, जितना हमें दबाओगे, जितना हमें मिटाने की कोशिश करोगे, हम और बढ़ जाते हैं। मसीह लोगों का खून, मसीह शहीदों का खून बीज है, जहां एक बूंद गिरती है वहां लाखों पैदा होते हैं। बोलिए हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। कितनों का समझ आ रहा है? बोलिए आमीन। आज तो बात कोई छोटी सी मुसीबत आए रोना बैजो, कोई छोटी सी तकलीफ आए रोना बैजो। एदार्थी है जब तो प्रेशर आया, हुन तुसी तान हुन नीचे, पंजाबी में से बोला, अब आप नीचे को नहीं बल्कि ऊपर को जाने वाले हैं, आपका लेवल चेंज हो रहा है। बोलिए हालेलुया। अरे जोर से बोला हालेलुया। जब सबसे ज्यादा तेज आंधी होती है, आप सबसे ज्यादा ऊपर आपको तब मिलेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, हालात जब हमारे विरुद्ध होते हैं, विरुद्ध और विपरीत परिस्थितियां होती हैं, हम वही हालातों में सबसे ज्यादा फलवंत होते हैं। ये हमारी हिस्ट्री है बाइबल में। हिंदी की बाइबल में लिखा है, मिस्री इसराइलियों को जैसे जैसे दबाते गए, सताते गए, वो और बढ़ते गए। हिंदी की बाइबल में लिखा है निर्गमन में, जैसे जैसे मिस्री इसराइलियों को दबाते और सताते गए, वो गिनती में और ज्यादा बढ़ते गए। बोलिए हालेलुया। जिन्हों यसू ने वधाया उन्हों केड़ा कटा सकदा, जिन्हों यसू ने लगाया उन्हों केड़ा पुट सकदा वा, जिन्हों यसू ने उठाया उन्हों केड़ा थले डिगा सकदा वा। बोलो हालेलुया। जो जोड़ती बोले यीशु मसीह दे नाम दी हालेलुया। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। परमेश्वर ने ना तो तुहानू कदे छड्डिया, ना उन्हें कदे तुहानू छड्डना वा, उहदा वायदा मैं तुहानू कदे भी कल्ला। बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम की, यीशु मसीह नासरी के नाम की, यीशु मसीह नासरी के नाम की। उकाब अपने बच्चों को ऊपर से नीचे गिरा देता है, मालूम है क्यों? उनका लेवल चेंज कर रहा है, वो उनको उड़ना सिखा रहा है। अगर आपके जीवन में समस्या है, इस करते हैं परमेश्वर आपका लेवल चेंज कर रहे हैं। दाऊद के बारे में मैंने पढ़ा, वो एक जंगल में रहा, शाउल उसके पीछे सेना लेके घूम रहा था, 3,000 सैनिक। एक जंगल में रहा, फिर दूसरे जंगल में रहा, फिर तीसरे जंगल में रहा, फिर चौथे जंगल में रहा, फिर पांचवें जंगल में रहा, फिर छठे जंगल में रहा। हिंदी में वन शब्द आया, वन। दाऊद एक वन में छिपता रहा, दूसरे वन में छिपता रहा, तीसरे वन में छिपता रहा, चौथे वन में छिपता रहा, पांचवें वन में छिपता रहा, अलग अलग जंगलों में जाके छिपता रहा। एक टाइम आया दाऊद के बंदों की और अबशलोम के बंदों की लड़ाई होगी, वो दाऊद को मारना चाहते थे। हिंदी की बाइबल में लिखा है अबशलोम के बंदे मारे गए, अबशलोम भी मारा गया। और आखिरी आयत में लिखा है, जितने लोगों को दाऊद के बंदों ने मारा उससे ज्यादा जंगल के कारण मारे गए, वन के कारण मारे गए। कौन? अबशलोम के बंदे। दाऊद का कोई भी बंदा जंगल में नहीं मारा गया कि पेड़ गिर गया उसके ऊपर या कोई जंगली जानवर आ गया उसको खाने के लिए, लेकिन अबशलोम के बंदे, दाऊद के बंदों ने जितने मारे उससे ज्यादा जंगल के कारण मर गए, कोई पहाड़ से नीचे गिर गया। अब दाऊद के बंदे क्यों नहीं मरे? क्योंकि प्रभु ने उसको एक जंगल, दो जंगल, तीन जंगल, चार जंगल, पांच जंगल, प्रभु उसको जंगलों में लेके उसके बंदों के साथ घूमता रहा। पता क्यों? उसको तजुर्बा हो गया जंगल में रहना कैसे है, सरवाइव कैसे करना है, इसलिए उसके बंदे नहीं मरे, उन्होंने सरवाइव करना सीख लिया था। कभी कभी प्रभु आपको समस्याओं में इसलिए रखता है ताकि आप सरवाइव करना सीख जाएं, ताकि आप जिंदा रहना सीख जाएं। कोई जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। मैं कुछ कहना चाहता हूं आपको, बाइबल में लिखा है जो यहोवा की बाट जोते हैं उकाबों की नाली नया बल पाएंगे। आमीन, आमीन। आज के वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में से निराशा को दूर करें, आज के वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें करें, प्रभु आपको दिलेरी दे, आज के वचन के द्वारा प्रभु आपकी प्रेयर लाइफ को नया करें, आज के वचन के द्वारा प्रभु आपके आत्मिक जीवन को नया करें, आपके मकसद बदल जाएं। हमारा मकसद चंगाई, छुटकारा, वीजा, ये सब चाहिए हमें, लेकिन हम प्रभु को प्यार इन चीजों के कारण नहीं करते, हम प्रभु को प्यार करते हैं इसलिए चीजें हमारे पीछे पीछे हैं। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। प्रभु आपको बरकत दे, और मैं स्वर्ग के परमेश्वर को हाथ उड़ाकर धन्यवाद देता हूं। आज की शुक्रगुजारी की बंदगी हमारे प्रभु में नथनों, उसके नथनों में एक सुखदाई सुगंध के समान प्रभु को भा जाए। आए मिलकर दुआ करें। करुणा में पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातें की, और मेरे हृदय की एक विनती और प्रार्थना है प्रभु जी, आज की ये शुक्रगुजारी की बंदगी जो ब्रदर सैम
और उनकी पत्नी और खुदावन ब्रदर प्रवेश, उनका उनकी पत्नी, उनके बच्चों और अंकल, उनके पूरे घराने, उनके पूरे कुटुंब, उनकी सिस्टर, उनके घराने और तमाम कुटुंब की ओर से जो बंदगी रखी गई प्रभु, हमारी हृदय की विनती और प्रार्थना है प्रभु जी, आज की ये बंदगी, ये शुक्रगुजारी की भेंट की सुगंध तेरे नथनों में भा जाए प्रभु। और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम विशेष विनती और प्रार्थना करते हैं, आज हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु, इनके जीवन में आपने बीते समय में बड़े बड़े काम किए, इनके जीवन में बीते दिनों में आपने बड़े बड़े काम किए, बीते समय में आपने इनको संभाल के रखा, बीते समय वो थे प्रभु जब इन्होंने आपकी भलाइयों को देखा। भजनकार दाऊद ने भजन संहिता 103 में कहा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूल। प्रभु जी आपने बड़े बड़े काम किए, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते। जो भलाइयां बीते समय में आपने इनके जीवन के लिए की, उनको ये भूले नहीं। इन्होंने प्लान किया कि क्यों ना हम अपने प्रभु की शुक्रगुजारी करें। प्रभु आज इस बंदगी के होने के बाद, आज के बाद इनके बच्चों के लिए इससे भी बड़े बड़े ब्लेसिंग के द्वार खुल जाएं। हालेलुया, हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु इनके स्पिरिचुअल लेवल्स आज के बाद बदलते चले जाएं प्रभु। हालेलुया, ये और आपके करीब आ जाएं। जो बच्चे विदेशों में हैं, उनको वहां की पक्की प्यार मिले, सृजन मिले, वहां बसकर आपकी विदाई करने पाए प्रभु। जितने भी आपके बेटे बेटियां आज इस सभा में आए हैं, कोई किसी बंधन में आया है, तकलीफ में आया, बीमारी में आया, खुदावन किसी मुश्किल के साथ आया है, आए पिता में आपका दास होने के नाते, आपके पुत्र यीशु के नाम में इनमें से प्रत्येक की लाइफ के ऊपर छुटकारे को डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम में। हालेलुया, इनके बंधन टूटे, इनकी बीमारियां जाती रहें, जो हालात इनके विरुद्ध हैं वो इनके पक्ष में आ जाएं, नए रास्ते इनके लिए ब्लेसिंग्स के खुल जाएं। कोई किसी बंधन में है, नशे के बंधन में, किसी पाप में पड़ा है, यीशु के नाम में हर बंधन टूटे, हृदय नए हो जाएं, बंद रास्ते बरकतों के खुल जाएं। प्रभु जितनी बहनें ऐसी आई हैं जिनके पास औलाद नहीं, प्रेमी पिता विनम्रता से दुआ करता हूं ऐसी बहनों की कोख को स्पर्श करें ताकि वो कंसीव करने की स्ट्रेंथ पाए। आप हन्ना के परमेश्वर हैं, आप अलाइशबा के परमेश्वर हैं, आप सारा के परमेश्वर हैं, आप इनके भी परमेश्वर हैं। जो बेटियां खुदावन, जो बहनें इस स्थान पे ऐसी आई हैं जिनके पास औलाद नहीं, जो तेरी ओर तक रही हैं, प्रभु इनकी शर्मिंदगी को दूर कर दे। हालेलुया, प्रभु मेरी हृदय की विनती और प्रार्थना है, जितने भी आपके बेटे बेटियां विश्वास से इस बंदगी में आए हैं, आज के बाद उनके लिए बरकतों के नए रास्ते खुल जाए। हालेलुया, हर वो डोर जो इनके लिए बंद है यीशु के नाम में ओपन हो। हालेलुया, ये प्रभु की ग्लोरी को देखने पाए। हृदय की विनती और प्रार्थना है प्रभु, इन्हें भक्ति का जीवन दे, वचन का जीवन दे, पवित्रता का जीवन दे, प्रार्थना का जीवन दे, उपवास का जीवन दे, खरेपन का जीवन दे, फिटफुलनेस का जीवन दे। इनके ऊपर तेरी करुणा सदा बनी रहे। अपने एक एक बेटे बेटी को आशीष देना खुदावन। जो भाइयों ने आराधना की उन्हें भी तो बहुत आयत की बरकत दे, और केवल भारत में ही नहीं, मैं दिल से चाहता हूं प्रभु भाई मत्ती तेजी, उनका घराना, उनके ब्रदर, उनका पूरा परिवार, पास एलिशा, पास विजय एलिशा, केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, देश विदेशों में भी जाके तेरी महिमा करें। हालेलुया, इन्हें और अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें। इस पूरे नगर को, पूरे नगर को हम यीशु के नाम में बरकत देते हैं खुदावन। इस नगर के ऊपर आपकी बरकत बनी रहे, यहाँ के पंचायत को, सरपंच साहब को, तमाम पंचायत के मेंबरान, जितने भी मेंबर हैं सबको तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। एक एक को आशीष देना, तमाम मैनेजमेंट कमेटी को आशीष देना प्रभु, कलीसिया के पासवान और तमाम संगति के एक एक भाई बहन बुजुर्ग बच्चे को आशीष देना, जितने भाई परवेश के रिश्तेदार सगे संबंधी आए हैं एक एक को बरकत देना प्रभु। आज भाई परवेश की धन्यवाद की बंदगी में आए हैं, उनके ब्रदर के लिए, उनके घराने के लिए जो धन्यवाद की बंदगी रखी गई है, एक समय आए प्रभु इनमें से प्रत्येक जो आज इनके धन्यवाद की बंदगी में शामिल है, इनके जीवन में भी बड़ी बड़ी धन्यवाद की बंदगियों के लिए प्रभु गवाहियां तैयार हो जाएं। एक एक को आशीष दे, सारा आदर आपको देते, धन्यवाद प्रभु आपने दुआओं को सुना। प्रभु मेरी एक विशेष विनती और प्रार्थना है, आज के बाद इनमें से कोई निराश ना रहे,
आज के बाद इनमें से कोई उदास ना रहे, हालेलुया। ये दृढ़ता से ईमान रखे कि मेरा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है, मेरा परमेश्वर नाउम्मीदी में उम्मीद पैदा करने वाला है, मेरा परमेश्वर ओ हालेलुया हर परिस्थिति को बदलने वाला है। ये आप अपना भरोसा आपके ऊपर ले आए, एक एक को बरकत है, सारा आदर आपको देते हैं। और ये विनती आए पिता आपके पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम में, आए पिता आपके पुत्र यीशु के नाम में, जो तुल्य नाम है, सामर्थ्य नाम है, पवित्र नाम है, जीवित नाम है, धन्यवाद के साथ मांग के पा लेते हैं, आमेन।